तमिल फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कुछ एक्टर हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बैक टू बैक हिट फिल्में दिया है। दोस्तों आज मैं कॉलेज एक्टर का रीसेंट हैट्रिक हिट फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों इस लिस्ट पे कौन कौन से एक्टर शामिल है जानने के लिए शो संता के वीडियो जरूर देखिए और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन थलापति विजय। पता दोस्तों मैं इसमें सिर्फ विजय का रीसेंट हैट्रिक फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ, जहाँ पर इसमें पहले आते हैं मास्टर जो 2021 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर एक तरफ विजय दूसरी तरफ था मालिशा सेल्वन विजय सेतुपति और दोनों का बड़ा बड़ा टक्कर फिल्म को ले गई है एक अलग लेवल पे। और इसका स्टोरी कॉलेज बैकड्रॉप पर बेस्ड था। इसका बजट था 120 करोड़। ये फिल्म 260 करोड़ का कलेक्शन दिया है और ये रहा ब्लॉकबस्टर। और इसके बाद फिल्म आई बीस्ट जो 2022 में रिलीज हुआ एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर थलापति विजय के साथ पूजा हेगड़े लीड रोल में नजर आई है। और इसका स्टोरी एक शॉपिंग मॉल में टेररिस्ट का कहानी पर बेस्ड था, पर जहाँ पर इसको नेगेटिव रिव्यू मिला था, पर यह फिल्म थलापति विजय का स्टारडम पावर की वजह से किया है एक ह्यूज कलेक्शन, जहाँ पर बजट था 130 करोड़। ये फिल्म दिया है 230 करोड़ का कलेक्शन और ये रहा हिट। और इसके बाद हैट्रिक फिल्म का थर्ड फिल्म आई वरिसु जो 2023 में रिसेंट रिलीज एक्शन ड्रामा फिल्म, जहाँ पर विजय के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आई है। इसमें विजय राजेंद्रन का फैमिली से जुड़ा का स्टोरी को दिखाई है और पोंगल का 2023 का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है वरिसु, जहाँ पर बजट था 200 करोड़। ये फिल्म दिया है 220 करोड़ का कलेक्शन और काफी इंटरेस्टिंगली ये फिल्म अभी भी थिएटर पर रनिंग है और ये रहा हिट। नंबर टू कार्थी। हाँ दोस्तों इस लिस्ट पर नंबर टू पे आते हैं कार्थी, जिन्होंने बैक टू बैक हैट्रिक 3 हिट फिल्में दिया है और काफी इंटरेस्टिंगली एक ही साल में उन्होंने दिया है 3 हिट फिल्में, जैसे कि वीरूमान जो रहा 2022 का मसाला फिल्म, जहाँ पर वीरूमान कैसे अपनी एरोगेंट फादर को ठीक करने की कोशिश करते हुए इसमें दिखी है। बजट था 30 करोड़। ये फिल्म दिया है 60 करोड़ का कलेक्शन और ये रहा हिट। और इसके बाद उसी साल कार्थिक का दूसरा हिट फिल्म आई पोन्नियिन सेल्वन, जहाँ पर एक मल्टी स्टार फिल्म है जिसमें कार्थिक के साथ विक्रम, आशीरा राय, जयम रवि, टीशा लीड रोल में नजर आई है। और इसका स्टोरी चोला स्टोरी पर बेस्ड था। इसका बजट था 250 करोड़। ये फिल्म दिया है 530 करोड़ का एक ह्यूज कलेक्शन और ये रहा इंडस्ट्री हिट। और उसी साल कार्थिक का थर्ड हिट फिल्म आई सरदार जो रहा एक स्पाई एक्शन फिल्म, जहाँ पर कार्थिक को डबल रोल में नजर आई है, एक तरफ कॉप का रोल दूसरी तरफ एक स्पाई वाला रोल, जिसका बजट था 40 करोड़। ये फिल्म दिया है 100 करोड़ का कलेक्शन और ये रहा हिट। नंबर थ्री थला अजीत कुमार। हाँ दोस्तों थला अजीत ने भी इस लिस्ट पे लिखाई है अपने नाम और उनका कंसेक्यूटिव हिट फिल्म के लिस्ट पे शामिल है नेरकोंडा पारवाई जो 2019 में आई लीगल ड्रामा थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर थला अजीत को एक रिटायर्ड पावरफुल लॉयर के रोल में नजर आई है। बजट था 50 करोड़। ये फिल्म दिया है 130 करोड़ का कलेक्शन और ये रहा सुपर हिट। और इसके बाद 2022 में उनका दूसरा हिट फिल्म आई वाली माई जो रहा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर थला अजीत कुमार को पुलिस ऑफिसर अर्जुन के रोल में नजर आई है, जिन्होंने करप्ट बाइकर के अगेंस्ट में करते हैं फाइटिंग। और इस फिल्म का बाइक चेस सीन रहा काफी माइंड ब्लोइंग, जिसका बजट था 120 करोड़। ये फिल्म दिया है 200 करोड़ का कलेक्शन और ये रहा हिट। और इसके बाद उनका तीसरा हिट फिल्म है थुनिवु जो 2023 में आई रिसेंट रिलीज एक्शन हेस्ट फिल्म, जहाँ पर थला अजीत कुमार को एक डार्क डेविल के रोल में नजर आई है। और इसका स्टोरी बैंक रॉबरी पर बेस्ड था, जिसको मिला है क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जहाँ पर बजट था 150 करोड़। थुनिवु फिल्म 170 करोड़ का कलेक्शन दिया है और काफी इंटरेस्टिंगली थुनिवु अभी भी थिएटर पर सक्सेसफुली रनिंग है और ये फिल्म रहा हिट। नंबर फोर आर माधवन। हाँ दोस्तों आर माधवन ने भी इस लिस्ट पर शामिल है और उनका कंसेक्यूटिव हिट का लिस्ट में शामिल है इरुधी सूत्रु जो 2016 में आई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म, जहाँ पर एक टैलेंटेड पर फेलियर बॉक्सर प्रभु सेल्वराज का कहानी को दिखाई है। और इसमें आर माधवन का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रहा माइंड ब्लोइंग। बजट था 15 करोड़। ये फिल्म दिया है 40 करोड़ का कलेक्शन और ये रहा ब्लॉकबस्टर। और इसके बाद आते हैं विक्रम वेदा जो 2017 में आई नियोनायर एक्शन थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर आर माधवन को इंस्पेक्टर विक्रम और विजय सेतुपति को गैंगस्टर वेदा के रोल में नजर आई है।
और इसका बजट था सिर्फ 12 करोड़ ये फिल्म दिया है 60 करोड़ का कलेक्शन और ये रहा ब्लॉकबस्टर और इसके बाद आते हैं रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट जो 2022 में आई बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म जहाँ पार मधुबन को साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण के रोल में नजर आई है और उनका परफॉर्मेंस इसमें रहा काफ़ी इम्प्रेसिव और रॉकेट्री पे आर मधुबन का परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रेसिव रहा जहाँ पर बजट था 25 करोड़ ये फिल्म दिया है 50 करोड़ का कलेक्शन और ये रहा हिट तो सो ये रहा तमिल का कुछ ऐसे एक्टर के बारे में जिन्होंने रिसेंट टाइम पे हैट्रिक हिट फिल्में दिया है तो इस लिस्ट पे आपका फेवरेट फिल्म और फेवरेट एक्टर कौन से है कमेंट पे बताइए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मालिशा जरीन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए